Christian. I'm the principal here at Grace College, and I welcome you all to this very wonderful lecture by Professor Dr. Ali Sajid. And I welcome all my guests who are present here for this occasion. But before we begin the lecture, I would request Professor Raflop to begin the proceedings from recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم Professor Raflop, our great mentor since centuries. Wherever I go and whatever I try to find, Professor Raflop is sitting there. Always. And Professor Dr. Shahid, jab bhi main channel par TV ghumata hu, kisi na kisi jagah inke chehre ki zyadat ho jati hai. Wo kisi shayar ne kaha na ki jab chahu jahan chahu tera didar ho jaye. Ye baat Professor Shahid sahab ko utarti hai. मैं ना हॉकी जिस फंक्शन में जाता हूँ, जहाँ पे टीवी का चैनल ऑन करता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। लीडरशिप एक बड़ा लंबा, मुश्किल, सादा लेकिन गंभीर सब्जेक्ट है, और मैं सवा डेढ़ घंटे में क्या जस्टिस करूँगा दरिया को, कुछ में कैसे बंद करूँगा, नामुमकिन है। टिपिकली मैं दो दिन से पाँच दिन की वर्कशॉप इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए UN और USAID के लिए कराता हूँ, और थोड़ा बहुत इसे जस्टिस करने का मौका मिलता है। लीडरशिप इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ए प्रैक्टिस, इट इज नॉट ए पोजीशन, इट इज एक्शन, नॉट ए पोजीशन इज एक्शन, एंड एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, यू डोंट हैव टू स्पीक दैट यू आर लीडर, और आपकी हरकत उसकना, आपका उठना बिछोड़ना उठना विशेष तौर पर खास आमद और जामद हर चीज इस बात का तयन करती है और तय कर सकती है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। हिस्टोरिकल अजम्पशन ये है कि लीडर्स वर बीइंग बोर्न और बोर्न बाय द नेचर, अल्लाह ताला ने इल्हामी तौर पे उन्हें सलाहियत पैदा की। लीडरशिप महज एक सब्जेक्ट नहीं है, ये महज अल्फाजों की तकरार का मजमुआ नहीं है, चंद थ्योरेटिकल नॉलेज की रेपिटेटिव साइक्लिक ऑर्डर का नाम नहीं। लीडरशिप लीडरशिप इज जैसे मैंने किया इज एक्शन। डीसी लाहौर कोर कमांडर कराची या ऐवान सदर में बैठा हुआ लोहारी जगारी या जरदारी वट एवर ही इज नॉट अ लीडर बार बार चो पोजीशन ही इज सो लीडरशिप इज बियॉन्ड पोजीशंस एंड लीडरशिप इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं आज की शाम अपनी गुफ्तगू आगाज कर रहा हूँ फेमस कन्फ्यूशियस की स्टेटमेंट से, इसको जरा ऑन कर देंगे प्लीज। जरा कन्फ्यूशियस स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप आज की स्टेटमेंट को, इस मैटर को, कि डोंट क्रॉस द डार्कनेस लाइट ए कैंडल। अंधेरों को मत तूना ठहराए रोशनियां फैलाते रहे, अंधेरों को मत तूना ठहराए रोशनियां फैलाते रहे, कन्फ्यूशियस की स्टेटमेंट है, इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे उर्दू के कोहाट के एक शायर का शेर याद आ रहा है, अहमद फराज का, आप में स्कूल कोहाट का तो नहीं। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा को शमा जलाते जाते। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम but it is much difficult to minimize the or diminish the damage. Taleem, shaur, aagahi, sirf roshniyon ko phailane aur andhera ko kam karne ka naam. I repeat my statement. Taleem, shaur aur aagahi, sirf andhera ko kam karna aur roshniyon phailane ka naam hai. Roshni phailane ka naam hai khair, uska naam hai iman, uska naam hai islam. Wo hai deen-e-mati. Isme koi shak nahi hai. दीन मतीन को मंदिर मकतब मरकज और खान कहा या मस्जिद तक मुकैद करना भी मेरे ख्याल में दीन मतीन की अफाकियत के खिलाफ है। हम इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं और दो चार आवाज इखलाक से बात करते हैं जिसको मैं मोटिवेशन कोट कर बात करता हूँ। अहमद फराज के शेर को अपने साथ गिरा की तरह बांध लें, सब पुराने जमाने में खवातीन दुपट्टे से गिरा बांध लें जिसके खुलना गया कि हमारा काम रोशनियां फैलाना है, ब्लेम करना नहीं है। डोंट बी ए जज, बी ए लाइट। डोंट बी ए जज, बी ए लाइट। डोंट बी ए क्रिटिक, रादर ट्राई टू डिलीवर।
Bill Gates की एक स्टेटमेंट और है, the complacent company, the dead company. It says today requires the agility, drive to constantly rethink, reinvigorate, react and reinvent. ये सक्सेस की डेफिनेशन है. अगर आप इन चीजों को हर रोज रीथिंक नहीं कर रहे, रीइन्वेंट नहीं कर रहे, सो यू आर गॉन वन विद द विंड. यू आर द यू मे बी फाउंड इन द हिस्ट्री बुक्स, जैसे कि किताबों में फूल नहीं मिलते, उस तरह आपको मजबूत होगा. एंड एवरीथिंग दैट इज डन द वर्ल्ड इज डन द होप. पावर ऑफ होप पे मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, महीने दो बार फिर पेश करूंगा कि होप की पावर क्या है और पॉजिटिव थिंकिंग की पावर क्या है. इस पर मैंने रिसेंटली काम किया है और आने वाले दिनों में यूएटी में और जो है मुख्तलिफ लोगों के पैनल्स है, एचआर फोरम वगैरह में प्रेजेंटेशन देता रहूँगा और हम इन चीज़ों पर बात करेंगे, होप पे, पावर ऑफ होप पे, पॉजिटिव एटीट्यूड पे, पॉजिटिव थिंकिंग पे. When person does good deed, when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone it was worth creating. हाली ने इसी बात को एक नए पैराग्राफ में कहा था, इससे 100 साल पहले मौलाना अल्ताफ हुसैन आगे भाटी दरवाजे में कब्र है उनकी, पानीपत में उनका हुआ था पैदाइश, इंतकाल लाहौर में 1914. कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरना ताद के वास्ते कुछ कम ना थे करूबिया. सो ट्राई टू फोकस योर लाइफ with the soul aim to help others. मकारम-ए-अखलाक को जो पहला सबक था वो पढ़ने का था. मकारम-ए-अखलाक को पहला सबक यही नहीं था, इबादत करनी. मकारम-ए-अखलाक ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया था कि मैं अखलाकियात की इंतहा के लिए भेजा गया हूँ, इबादत की इंतहा का जिक्र नहीं है, याद रहे. सो देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग. And if you want to build a ship, don't drum up the man to go to the forest to get wood, saw it and nail the planks together. Rather, teach them to the desire to see. समुंदर की ख्वाहिश पैदा करें, वो खुद बहुत जहाज बनाना सीख लेंगे. समुंदर की ख्वाहिश पैदा करें, खुद बहुत जहाज बनाना सीख लेंगे. लकड़ी खुद ही ढूंढेंगे, हथौड़ियां और कील खुद ही ढूंढेंगे. बनते हैं मेरे कारगाह फिक्र में अंजुम, ले आज अपने मुकद्दर के सितारे को तू पहचान. What will be your step for being excellent leader? हम में से हर शख्स के अंदर एक पोशीदा नेचर नया है जो नजर नहीं आता, नेचर ने बिल्ड कर दिया. जो उसको एक्सप्लोर कर ले वो मुराद बन पा जाता है, वो महातिर मोहम्मद बन जाता है, वो जिना से काजिन बन जाता है, वो नेल्सन मंडेला से फादर द नेशन बन जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन से फादर द यूएसए बन जाता है, अगर वो अपने नहा पोशीदा लीडर को ढूंढ ले. आज की डिस्कशन में हमारा है जो लुपे लबाब और गुफ्तगू का जो हाता होगा कि हम अपने अंदर के पोशीदा लीडर कैसे ढूंढे. हम तो खुदा को ही ढूंढ रहे, ढूंढ पाए. कोई खुदा को ढूंढने के लिए काबे में टकरे मार रहा है, तो कोई चिल्ले खींच रहा है, कोई मुजाहिदे कर रहा है, तो लीडर कैसे ढूंढेंगे? खुदा नहीं मिल सकता जब. सो लीडरशिप की तलाश इतनी मुश्किल नहीं है जितनी खुदा की तलाश. So leadership is influence, nothing more, nothing less. एक definition ये हो गई. क्या सर सूख आई है? It is an influence, nothing more, nothing less. ये बड़ी famous statement है. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. So आप आज की गुफ्तगू में अपना एक मरूजी तजिया भी करेंगे कि क्या मेरे एक्शन से लोग हिलते हैं, शेक होते हैं, बेक होते हैं. अगर होते हैं तो मैं लीडर. लीडर की रवायती डेफिनेशन कि मोची दरवाजे में 5 लाख के मजमे को खड़ा होके सरकारी पटवारियों के हजूम के जरिए ग्राउंड में भर के माइक तोड़ने का नाम लीडरशिप नहीं है. लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ नोइंग योरसेल्फ, हैविंग अ विजन दैट इज वेल कम्युनिकेटेड एंड बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग कोलीग्स and taking corrective actions to realize your own independent and leadership potential. Ek do definitions dekh rahe hain. So leadership pe kya cheez hai jinaab? It is state of mind. Aapke zehno mein ek kalapne wala wo saam jo jistujoo tarang aur umang ko badhata hai. Jahat simmat ko ek naya rukh deta hai aur zindagi ki ek nayi udaan ke liye aapko majboor karta hai. ये लीडरशिप का वो स्टेट ऑफ माइंड. जिंदगानी की हकीकत को होकर के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशा और संगे दिला है जिंदगी.
سلطان کی بوت کی وصیت ہے جناب. علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں اس کو, زندگانی کی حقیقت کو ہو کر کے دل سے پوچھ, جوئے شیر و دیشا سنگ گراہ ہے زندگی, اینڈ لیڈر از اے ڈیلر ان ہوپ. اگر لیڈر ہوپ نے کھلا رہا تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے, عجیب سا فتویٰ دے رہا ہوں میں. اگر لیڈر ہوپ نہیں سپریڈ کر رہا گناہ کبیرہ کر رہا ہے. اور امیر المومن نہیں امیر الخبائث ہے, یاد رکھیے گا. لیڈر کام صرف ایک ہے, ہوپ پھیلانا. And leader sees cup as half full, not half empty. وہ مثبت روایات کے احیاء کے لیے پریشان ہے, فکر مند ہے, ٹکرے مار رہا ہے. اور مثبت روایات کیا ہے کہ ہر چیز کا مثبت رنگ, مثبت پہلو, مثبت رویہ اور مثبت تھنکنگ. سو اگر لیڈرشپ کے پاس پوزیٹو تھنکنگ نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے, وہ کسی چوروں کے ٹولے کا سرگنا ہے. تو چوروں کے ٹولے کا سرگنا ہے, اور یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ فیمس اسٹیٹمنٹ ہے نیپولین بوناپارٹ. اینڈ افیکٹو لیڈرشپ انکریزز دی ابیلٹی آف آرگنائزیشن ٹو میٹ نیو چیلنجز. نیو چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جو ہمت اور قوت چاہیے وہ لیڈرشپ دیتی ہے, مینجمنٹ نہیں دیتی. اس غلط سمجھ میں نہ مارے جانا, مینجمنٹ کچھ کر دے. سو مینجر اسٹیٹس کو فورسز کا ترجمان ہے, اور لیڈرشپ کو چیلنج کرنے والا پیشن, جنون, ٹرسٹ, خود اعتمادی, اپنے آپ پہ بھی اور ٹیم پہ بھی ٹرسٹ. Open mind, open for new ideas, and willing and able to keep growing, 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 and glowing, and going, going, glowing, and growing. And base kya uski integrity ki hai. Jinna ko dekh le, George Washington ko dekh le, they are man of integrity, the person of integrity. Aur strength kya thi? Emotional stability. Jazbati taur pe balance and composed hai. جذبات کے لیے آدمی بہ نہیں جاتے. ڈومیننس, اینتھوزیازم, ولولہ جذبہ, ٹف مائنڈنس, سیلف ایشورنس, میچورٹی, بالغ نظریہ کے پاس, اور پرسنالٹی میں کرسم ہے. ان کے جسم سے ریز نکلتی ہیں اور ریز سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اپنا قبلہ چینج کر لیتے ہیں. نون سے ہم خیال میں, ہم خیال سے نون والا قبلہ چینج نہیں, نظریاتی قبلہ, نظریاتی قبلہ. Adaptability and human consideration سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا, سب سے اہم پہلے پہلے. درد کے رشتے کی آپ پیاری کا نام human consideration ہے, یاد رکھیے. درد کے رشتے کی آپ پیاری کا نام human consideration ہے. درد کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. خون سفید ہو جاتے ہیں, درد کے رشتے ختم نہیں ہوتے. بولار زوال, خون سفید ہو جاتے ہیں, درد کے رشتوں میں زوال نہیں ہے. امورٹل ہیں درد کے رشتے. خون کے رشتے تو وہی تھے نا, 20 مہینوں تک کھاتے تھے یوسف کو, اور باپ کو عقیقہ کی بھیڑی کا خون لگے, یوسف کو بھیڑی کھا گئے. 20 سال, 25 سال, 50 سال باپ کو کھانا. اور کسی شاعر نے, ذوق نے, آتش نے ایک شعر میں کہا ہے خون کے رشتے کے حوالے سے کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا, یہ صدا کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت, دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. اور میں آپ کو کوشچن کروں, جب آپ کو کوئی بھائی کہے اس کا مطلب ہے اس نے کنویں میں دھکا دینا ہے. اسی لیے وہ بھائی جو لندن میں آتے ہیں, حالانکہ بھائی بات کرتے ہیں, میں ٹرسٹ کرنے کو تیار ہوں, چھوڑنے میں دھکا دینا. سو لیڈرشپ از ابیلٹی ٹو کریٹ اے بانڈ, جس بات کی وہ بس ٹھیک ہے نا, لیڈرشپ ہے کریٹ اے بانڈ, میک پیپل ورک ٹوگیدر, لوگوں کے باہمی اتفاق, محبت اور خوبت بڑھانے کے لیے. خوبت کی جہانگیری کا نام پھر لیڈرشپ ہو گئی, محبت کی فراوانی کا نام لیڈرشپ ہے. ہائی ایفرٹس, ہائی ڈیزائر ٹو اچیو, ہائی انرجی لیول, اینڈ شو انیشیٹو اینڈ پرسسٹنس. جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے اس کے جسم سے انرجی ریڈیئٹ ہو رہی ہوتی ہے. 76 سال کی عمر میں ٹی بی کے ساتھ بھی نا وہ سائن کر رہا ہوتا ہے ڈیتھ بیڈ پہ, ہائی انرجی لیول کی وجہ سے. زیارت میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھا آدمی اور سائن کر رہا ڈاکومنٹس پہ,
कि यूएनओ में हमारा नया एम्बेसडर ये है। एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है कि वो जो उसकी जिस्मानी बुढ़ापा है उस पर ओवरकम कर देते हैं। 76 साल की डिजायर टू इन्फ्लुएंस, विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई कैन डू दिस, यस आई शैल डू दिस, यस आई विल डू दिस। सो लीडरशिप में जो आपकी जात में अगर आपने इंडिकेट करना है ब्राह्मण है तो एतमाद की बहाली, तसलसल जहद मुसलसल रोज हो, यकीन मौकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आदम जहाद जिंदगानी में है इमरतों की शुक्र। एक बार लीडरशिप को सर डिफाइन कर और लीडरशिप के लिए हम देख रहे हैं कि विजिबल सरफेस है, फॉर्मल सरफेस, स्किल एंड एबिलिटीज की नजर आती है लीडर्स में, मेरे में आप में अपीयरेंस है, फॉर्मल टाइटल और रैंक है, डीसी एसपी डायरेक्टर एमडी सीईओ प्रिंसिपल, ये सारे फॉर्मल सो कॉल्ड दुनियावी वो लेबल्स हैं जो आर्टिफिशियल लोग अपनी जात के हुकूम ऊंचा करने के लिए, अपनी खानका की हदू दरबे को बढ़ाने के लिए, एरिया अंडर द कर्व को इंक्रीज करने के इस्तेमाल करते हैं, ये खुश गमानों के खुश रजीमों के बाद में जो इंसान को जो समाज देते हैं, ये इकबाल आरिफ का इफ्तखार है। जबकि असल लीडर क्या है, हिडन साइड देखिए, इनफॉर्मल, जो उसकी कोवर्ट एंड प्राइवेट एस्पेक्ट है, उसके पर्सनल कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी, उसका वैल्यू सिस्टम, केयर फॉर सबऑर्डिनेट, डिजायर टू एक्सेल, इंडिविजुअल विजन, नीड्स, पैशन, फीलिंग्स टुवर्ड्स द लेस फॉर्चुनेट, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअल वैल्यूज, इनर पीस, उसकी अंदर की अमन और आस्था की जस्तजू, एंड डाइवर्सिटी कोशेंट, और मसायब में बैलेंस पोस्टर देने की सलाहियत, ये एडवर्सिटी कोशेंट के मसाइल में वो कितना कंपोज्ड और बैलेंस्ड रिस्पॉन्ड कर रहा है, एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और जिनी तौर और रूहानी तौर पर कितनी पलीदगी है इसमें, रूहानी पलीदगी भी लीडरशिप की इनर ट्रेट का हिस्सा है, रूहानी पलीदगी। मगरबी दुनिया को अब एहसास हो रहा है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बगैर सर्वाइवल नहीं है, अब उनका एहसास हो रहा है 200 साल की मशीनी जिंदगी में टकरे मारने के बाद, आए तो सही बरसर निजाम ही है, देयर विल बी नो फ्रेंडशिप विदाउट ट्रस्ट एंड देयर इज नो ट्रस्ट विदाउट इंटेग्रिटी। सो इंटेग्रिटी बेस है लीडरशिप के अंदर, देख लिया अभी इस स्लाइड में देख लिया, एंड ट्रस्ट इज एब्सोल्यूट की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, एंड स्पीड हैपेंस व्हेन पीपल ट्रूली ट्रस्ट ईच अदर, एंड मिस्ट्रस्ट डबल्स द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं डूइंग डबल नहीं कहूंगा, मैं 10 times कहूंगा, मैं 100 times कहूंगा। एंड सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एसेंस ऑफ हैपीनेस। तो एक जो लीडर है, अच्छा लीडर जो आपके अंदर बड़े अंदर खुफिया और पोशीदा, उसकी बुनियाद सेल्फ ट्रस्ट पे है, यस आई कैन डू, यस आई कैन, एंड यस आई विल, ये सेल्फ ट्रस्ट की बुनियाद है। खुद आगाओ खुद मस्त इकबाल सूरत है, खुद आगाओ खुद मस्त इकबाल ने इसमें सर्टिफाइन किया। तो लीडरशिप के ट्रेड्स में बुनियादी चीज आई, नो सेल्फ डाउट, अपनी जात पे कोई शक नहीं आपको, एंड यू नीड टू शो एंड एक्सपोज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड यू शुड बी एबल टू कन्विंस योर फॉलोअर्स, आप अपने पैरोकार को मजबूर कर सके कि वो आपकी गुफ्तगू को माने, जहनी तौर पर आप आगे झुके। So ability to gather, analyze, interpret, create visions and solve problems and make correct decisions. Know how company industry understands technicalities. Technical funding mood mein usko maharat ho. Nuts and bolts ko ikattha karke gaadi ko shape up karke driving seat pe baith ke leke ja sake. Gaadi ko shape up kar sake. So leader ka role par kya ho gaya? Jinaab create vision and then build a team. हम इनको बारी बारी देखते हैं, पहला है आप क्रिएटिव विजन, आइडेंटिफाई योर विजन, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर विजन, आप 10 से 20 साल बाद क्या बनना चाह रहे हैं, आपको उसका तयन आज की रात करना पड़ेगा अपने साथ के अंधेरों में झोंके और गौर से देखें कि मेरे 10 से 20 साल के बाद मेरा विजन क्या है, लाइफ का मकसद है, याद क्या मेरा, एंड द वेरी एसेंस ऑफ लीडरशिप इज दैट यू हैव टू हैव विजन। I'm positive के ग्रेस कॉलेज और यूएटी और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या पर सभी बड़े बड़े इदारों ने अनोखे इदारों ने अपनी अपनी विजन का तयन किया होगा,
अगर नहीं है तो फिर टकरे में आ गया हमने. विजन विदाउट एक्शन इज अ ड्रीम एंड एक्शन विदाउट विजन इज एन एक्टिविटी. एक फेमस मोटिवेशनल एडी थी अमेरिका की हेलन केलर, कहती है इट इज बैड नॉट टू हैव आईज बट इट इज वर्स्ट दैट यू हैव आईज एंड यू हैव नो विजन. हेलन केलर की स्टेटमेंट, ये उसकी स्टेटमेंट आ रही है, व्हाट कुड बी वर्स देन बीइंग बोर्न विदाउट साइट, बीइंग बोर्न विद साइट एंड नो. सितारा सुख का रोता था और ये कहता था मिली निगाह मगर फुर्सत नजर ना मिली. कभी निगाह मिल जाती है तो फुर्सत नजर नहीं मिलती है, कभी फुर्सत नजर मिलती है तो निगाह नहीं मिलती. खुदाया मुझे साहिब जुनू कर और मेरा नूरे बसीरत आम करते. इकबाल फिर चिल्ला रहा है, रो रहा है और फरियाद कर रहा है कि मेरे लीडरशिप को वेयर हाउस करने की देखने की सलाहियत जो मैंने मुझे दी है इसको ओपन कर दो. व्हेन देयर इज नो वेयर पीपल पेरिश, जब वेयर नहीं होती लोग खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं. When there is no vision, people perish. पाकिस्तान की 20 या 18 करोड़ आबादी में से अगर 17 करोड़ के पास वेयर नहीं है तो ऑर्डिनरी मुंशी मोहम्मद इंस्टाग्राम में खत्म हो जाएगी. 20 से 50 साल तक लिविंग फेल हो जाएगी. जिसके पास वेयर है उसके पास पैसा हो ना हो, डिग्रियां हो ना हो, तालीम हो ना हो, वो अपनी मंजिल हासिल करते हैं. Where is your view for future? Where you want to be, what you want to become, your long range goals, what you are working towards. इसके लिए आप कुछ जगह पर एंटर मार रहे हैं. Vision provides a framework for actions, an emotional appeal for your members of the organization, and vision is closely related to dreams. जितनी विजन बढ़ी हो, उतनी ड्रीम्स बढ़ी हो. So dream big dreams. Dream big dreams. They have the funny way to come true. बड़ी बड़ी खबरें देखना शुरू करते हैं आज के बाद. नेचर बहाने बनाती है. अगर आपके पास एक्शन है, प्लानिंग है, तो ड्रीम्स विल डेफिनेटली कम ट्रू. और कमिटमेंट है और नेक नीति है. सो स्टार्ट ड्रीमिंग बिग ड्रीम्स फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड. नेचर विल प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी इन ए फनी वे दैट दोज ड्रीम्स विल कम ट्रू. So start refreshing your vision from today onward. Master of the day. Start refreshing your vision from today onward. Vision level of people, they can't enough. Some people never see it. They are wanderers. वो टकरे मार रहे हैं, उनको विजन का कुछ नहीं पता. Wanderers को कुछ नहीं पता. ये पहली स्टेज है, एलिमेंट्री स्टेज. Some people see it but never pursue it on their own. They are followers. Some people see it and pursue it, they are achievers. And some people see it, pursue it and help others to see it, they are the leaders. आप आज इस एक्सरे में अपनी जात का तजिया करें, आपकी शाम और आप देखें आप कहां खड़े हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी. If you are helping people to develop themselves and to achieve their vision, you are a leader. And if you have the capacity to achieve your own long-term desires and goals with decent means, you are achiever. Said Hawith Malik Riaz, they are achievers but with the negative reference, maybe less positive reference. Madam Teresa, Mother Teresa, Abdul Staridi, Mahathir Mohamad, they are the leaders, they are helpers, they are helping their followers to follow their visions. And realize and implement and materialize. So leader manages goal. A goal property properly set is halfway reached. अगर आपने goal को proper तैयार कर लिया, तो आप success हो गए. बाजार पुख्तुसे से बात है, लेकिन इस बात में बड़ी वो पहना है बड़ी मैसेज. सो स्टार्ट सेटिंग डिसेंट गोल्स, अचीवेबल गोल्स, मेजरेबल गोल्स, क्वांटिफायबल गोल्स. गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस. गोल की नई डेफिनेशन दे दी हमने, भी ड्रीम की बात की है. गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस. सेट द गोल ऑफ योर टीम, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट आल्सो सेट द गोल ऑफ योर टीम. It
helps you to set your smart goals. SMART stands for specific, measurable, achievable, relevant and time bound. अगर goal और not but time bound को 100 साल लग जाएंगे। कौन जीता है तेरे जुल्फ के साथ हमें? So your goals must be smart enough, must be focused, must be quantifiable, must be measurable, and must be specific. तब goals क्या हासिल हो? वरना खाक हो जाएगी हम तुमको खबर होगी। Intrinsic motivation occurs when the individual determines his or her own goals. जब goals का तय हो जाता है, तो आपका अंदर का एक motivation भी जागना शुरू हो जाता है। So यह वो शेर जो है ना, यहाँ पे बेदार होना शुरू हो जाता है। हर इंसान में 100 नहीं बल्कि हजारों शेर हैं, सो वो अंगड़ाई नहीं लेते, नहीं पाते। और अंगड़ाई लेने की पहली एक शर्त ये भी है कि गोल्स का तय करें। तो अपने मीडियम शॉर्ट और लॉन्ग रेंज गोल्स का तय करें, उसके बाद विजन का तय करें। ये छोटा छोटा नुस्खा है कि मैं आपको बता रहा हूं। गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस, ये देख लिया जी हमने। And a good leader is like a candle. It consumes itself to light the way for others. ये रोशनी तो जलता है, खुद खत्म हो जाता है, लेकिन रोशनी से लोगों को मौका देता है कि अंधेरे काम कर सके। And a good leader is a good in networking. Do networking with positive minded people. Meet them, greet them, treat them. I repeat, meet them, greet them and treat them. एक चाइनीज प्रोवर्ब है, sitting with wise man for 1 hour is better than reading 10 years of books. So start meeting the wise man through networking. ज़िन खुल जाते हैं, नगाये मर्दे मोमेंट से बदल जाती हैं तकदीरें, नगाये मर्दे मोमेंट से बदल जाती हैं तकदीरें। If you wish others to believe in you, you must first convince them that you believe in them. So create the well-wishers group, if not followers. आपको ज़रूरी नहीं कि अपना हर का लेकिन इतना 1 लाख, 10 लाख, 40 लाख का उसी हवा उसे ले जाए कि मेरे believers हैं, मेरे followers हैं। Have few but sincere and smart, loyal and logical, and be positive. Message of the day, part 2. I think the positive is that everything is in our hand. Positivity pe tarakki hoti hai, positive thinking pe hamari tarakki karte hai, positive thinking pe mind bachon ko raise karke Nelson Mandela bana dete hai. Positive thinking. As a mother, as a father, as a sister, as a brother, as a team member, to start promoting positive thinking. اداروں کی ترقی صرف جہان تازہ کے حوالے سے افکار تازہ سے نہیں ہے، بلکہ افکار تازہ میں مثبت رویوں کی آبیاری اس کا پری ریکوزٹ ہے، مثبت رویوں کی آبیاری اس کا پری ریکوزٹ ہے جہان تازہ میں. So be positive and spread positivity and start leaving the company of negative people. Start leaving the company of negative people. Message of the day part 3. علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. کوے میں شاہین کی طرح اڑنے کی قوت پیدا نہیں ہوئی اگر وہ شاہینوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن شاہین کا بچہ اگر کووں کے ساتھ رہے گا وہ اونچی پرواز بھول جائے گا، اونچی پرواز بھول جائے گا. اسے کہے گا فرسٹ نشینی بہتر ہے ارش نشینی سے، کیا کرو گے اونچی پرواز سے؟ آرام سے کمفرٹ زون میں بیٹھ جاؤ، الرٹ زون میں نہ جاؤ، درختوں پہ بیٹھ کے مردار کھانے کا اپنا مزہ ہے. یہ تلقین کرتے ہیں پھر کہ وہ اس شاہین بچے کو، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ.